हेलो एवरीबॉडी दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एन सी आर टी क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर थ्री इन द अर्ली सिटीज़ आरंभिक नगर इसमें हम पढ़ेंगे कि आरंभिक नगर जो हमें मिले हैं वो कहाँ मिले कैसे मिले और उसमें लोग कैसे किस किस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे कैसे घर बना के रहते थे और वो क्या क्या खाते थे ये सब हम पढ़ेंगे अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि लोगों ने इकट्ठा रहकर रहना शुरू कर दिया जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया वो हंटर गैदरर से एक एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ने लग गए थे उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था और जो खाने का सामान था वो इकट्ठा करके रखने लग गए थे अपनी नेक्स्ट फसल के लिए बीजों को भी इकट्ठा करके उनको सुरक्षित रखना शुरू कर दिया था इस चैप्टर की हमारी स्टार्टिंग होती है पुराने भवन का संरक्षण से सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग अब क्या है दो बच्चे मिलते हैं हमें जसपाल और हरप्रीत नाम के जो अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे वो उनकी गली में खंडर जैसा सा घर था वो उन्हें हमेशा दिखाई देता था उसको भूतिया घर कहते थे लेकिन वहां पे एक दिन दो जने आते हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत सुंदर घर है इसकी इसमें देखो कितना सुंदर डिज़ाइन बन रहा है ऐसा तो अब बनता नहीं है अब हमें इसको मंत्री जी को पत्र लिखना पड़ेगा कि इसको सुरक्षित रखा जाए और इसको खूबसूरती इसका सुरक्षित रखी जाए और इसकी मरम्मत कराई जाए अभी दोनों बच्चे सोचने लग गए कि इस भूतिया घर को क्यों वो इतना अच्छा कर रहे हैं ऐसा तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि जैसे ये भूतिया घर है तो इसके बारे में क्यों लोग इतना सोच रहे हैं पर ऐसा नहीं होता कुछ कुछ बिल्डिंग्स क्या होता है कि, हो कि हमारे चार हज़ार साल पहले हमारे पास कुछ सेव नहीं होता ठीक है हमारे पास वहाँ के लोग तो नहीं बचे होंगे सिंपल सी बात है हमारे पास चार सौ साल पुराना लोग भी नहीं होगा कोई इंसान भी नहीं होगा चार सौ साल पुराना जो हमें ये बता सके कि हाँ वो लोग कैसे रहते थे अब हम चार हज़ार साल पहले पाँच हज़ार साल पहले कैसे रहते थे तो हमें वो इन्हीं सब बिल्डिंग्स की वजह से पता चलता है जैसे ये सब बिल्डिंग्स होती है ना इन्हीं सब बिल्डिंग्स की मैं पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे वो एक ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या फिर उनको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर बना सकते थे उनके पास सीढ़ियाँ कैसी होती थी वो खाना कैसे पकाते थे आग पे पकाते थे या उनके पास भी हमारी तरह स्टोव होते थे सिलेंडर होता था क्या होता था ये सब कुछ हमें ऐसे ही पता चलता पड़ी है उन चीज़ें पढ़ी हुई मिलती हैं इसलिए इन सब पुरानी चीज़ों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को अब क्या हो रहा होता है 1856 में पंजाब सिर्फ पंजाब वो नहीं जो हमारे इंडिया में है एक पंजाब पाकिस्तान में भी है तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाली पंजाब की वहाँ पे रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था क्या हो रहा था रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ऐसे ऐसे होते हैं ना रेलवे लाइन्स वो बिछाई जा रही थी तो इस टाइम पे उन्होंने क्या मिलता है यहाँ पे जो इंजीनियर था जो ये सब काम देख रहा था यहाँ पे ऐसे ऐसे घर मिलते हैं इन्हें लिखे हुए ठीक है तो यहाँ पे जो ईंटें थी ना बहुत बढ़िया ईटें थी तो इन लोगों ने क्या किया ये सारी की सारी ईटी उखाड़ उखाड़ के लेकर ये रेलवे लाइन पे बिछा दी इसके आसपास ये सारी एरिया में बिछा दी ताकि इनका ईटीओ का एक तो खर्चा बच गया और उससे क्या हुआ इन्हें धोके कहीं और से कहीं और लाने नहीं पड़े यहीं बिछ रही थी रेलवे लाइन तो यहीं से ईटीओ निकाल निकाल के ले गए इस घर में से बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे घर थे बहुत सारी जगह दी तो उससे वो ईटी उखाड़ के अपने रेलवे लाइन पर लगा दी पर क्या हुआ जब 80 साल पहले 80 ईयर्स पहले जब वहाँ पे पुरातत्वविदों ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छी साइट थी ये बहुत ही अच्छी जगह थी जहाँ से हमें पुराने टाइम के बारे में पता चल सकता था और ये जगह कौन सी थी हड़प्पा जहाँ से सबसे पहले पता लगाया गया जगह थी हड़प्पा अब जब इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिली कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह थी पुराने टाइम पे चार हज़ार साल पुराने लोग यहाँ पे रहते थे तकरीबन पाँच हज़ार साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे तो, तो उसके बारे में पता लगाया लेकिन जैसे उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग जो थी वो खंडर बन चुकी थी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि इस दर से इन्होंने ईटें निकाल ली थी तो काफ़ी सारी इमारतें जो वेस्ट चली गई हैं अब इस नगर का खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए इसको इस जो जो भी इस एरिया के आसपास का जो एरिया था उसको हड़प्पा सभ्यता ही का नाम दिया गया क्या नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में like की जगह की, की तरह लग रही थी जो तैयार उच्च गुणवत्ता वाली ईटो का एक समृद्ध स्रोत था देन अबाउट एटी ईयर्स एगो आर्क्योलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रिलाईज डेट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डर सिटीज इन द सब फिर लगभग अस्सी साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान की खोज की और महसूस किया कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था को जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज मिलती है ये सब लोग आप खुद सर्च करोगे अब तो आई के सबके आसपास इंडिया के साथ के आसपास के एरिया जितना भी था उनमें से सबसे पुराना शहर थे मतलब जो सबसे पहले लोगों ने बसना जो शुरू किया वो यहीं आज के आसपास ही शुरू किया हड़प्पा पंजाब में जो हड़प्पा एरिया था उसके आसपास जो ये शहर थे कितने साल पहले बसने शुरू हुए फोर्टी सेवन हंड्रेड ईयर्स एगो फोर्टी सेवन हंड्रेड ईयर्स पहले ही विकसित हुए थे अब इन सिटीज में स्पेशल क्या था इन नगरों की विशेषता क्या थी ये जो नगर थे दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे दो अपार्ट में डिवाइड होते थे ठीक है एक तो ऊंचे लेवल, लेवल पे बनाया जाता था एक नीचे लेवल पर बनाया जाता था जो ऊंचे लेवल पे बनाया जाता था इसको हम बोलते हैं डेल क्या बोलते हैं सिटर नगर दुर्ग जो नीचे लेवल पे बनाया जाता था उसको लोअर टाउन यानी कि निचला नगर क्या कहा गया निचला नगर ये सारे के सारे जो थे पक्की ईटों की चार दीवारियों से बनते दे थे देखो जैसे कि ऊंचाई पर है यहाँ पे सारे में ईटों से बिछा रखा है और जो ऊंचाई वाला जो एरिया था वहाँ पे मेन मेन लोग रहते थे जैसे राजा और राजा के लिए काम करने वाले लोग और जो भी उसमें वहाँ मतलब मुख्य लोग होते हैं जैसे पुरोहित वगैरह तो उनके लिए रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती थी और जो निचला नगर था वहाँ पे लोग आम लोग रहते थे ठीक है और ये ऊंचाई कैसे करते थे ये करते थे जैसे कि ईट को एक चबूतरा सा बना के जैसे यहाँ पे ईंट 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 बन मिला दी तो इससे क्या हो गया ये जगह इस जमीन से ऊंची हो गई ठीक है ये जगह इस ज़मीन से क्या हो गई ऊंची हो गई ऊंची होने की वजह से ये दूर से भी दिखाई देता था और ये नीचा रह जाता था इसलिए हम यहाँ पे ईंटों से चबूतरा बना के उसके ऊपर ही कोई इमारत खड़ी की जाती थी सिटाडेल के लिए प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था जो सीटा डेल है वो छोटा हुआ करता था ठीक है और लोअर टाइम जो है वो बड़ा हुआ करता था और ये ईस्ट में होता था ये वेस्ट में पश्चिम में होता था और ये पूर्व में ठीक है वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेग ब्रिक्स वर ब्लीड बेल्ट अराउंड ईच पार्ट द ब्रिक्स वर सो वेल बेग डेट दे वर लास्टेड फॉर थाउजेंड ईयर्स दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईटों की बनाई जाती थी इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं अभी आप खुद देख लो हमने ये सिटीज कितने साल पुरानी बता रहे फोर्टी सेवन हंड्रेड ईयर्स एगो बता रहे हैं ना इतनी साल पुराने कह रहे हैं और अभी तक हमें इनकी ईटी ऐसी की ऐसी मिले हैं तो ये सोचो कि इनकी टेक्नोलॉजी हमारे आज की टेक्नोलॉजी से भी कितनी अच्छी होगी जो हमें उस टाइम की ईंटी इतनी बढ़िया मिल रही हैं कि वहाँ उखाड़ के उन लोगों ने रेलवे लाइन पे भी बिछा दिया और देखो ये अभी तक सुरक्षित है ऐसी की ऐसी क्या द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड डैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग दीवार बनाने के लिए ईटों की चिन्ह इस तरह से करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे इंटरलॉकिंग मेथड क्या होता है एक ईट को दूसरी ईट के अंदर ऐसे फंसा देते हैं कि वो पता ही नहीं जल्दा अलग अलग वो आसानी से नहीं हो पाती है उनमें सीमेंट की भी जरूरत नहीं होती है मतलब क्या होता है जैसे कि हम वो पजल वाला गेम खेलते हैं ना उसमें एक साइड से एक ऐसे निकला हुआ होता है फिर दूसरी साइड में ऐसे खाली होता है तो इसी टाइप का एक समझ लो आप इसी टाइप की होते हैं इंटरलोकिंग सिस्टम कि बस वो इसके अंदर खोखला बना देते ताकि ये हिस्सा इसके अंदर घुस जाए और वो लॉक हो जाए इसकी मैं एक पिक्चर जरूर डालूंगी आपको समझाने के लिए इंटरलॉकिंग पैटर्न को समझाने के लिए ठीक है ना ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इसकी वीडियो एक नेक्स्ट अब हमें इसी में क्या मिलता है एक महान स्नानागार ग्रेट बार्ट मिलता है ये कहाँ बनाए गए थे जो सीटा का जो प्रमुख एरिया जो होता है ना हमारा नगर दुग का जो प्रमुख एरिया होता है मेन एरिया वहाँ पे एक हमें सबसे बड़ा एक स्विमिंग पूल मिलता है ग्रेट बार्ट मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल है यहाँ पे सारा पानी से भरा होता था ठीक है कहाँ मिला है मोहन में मोहन नाम की एक जगह है वहां पे अभी लोग सोच रहे हो कैसे अजीब अजीब नाम है हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये नाम जो है ना ये पुराने नाम नहीं है ये आज की जो जगह है ना उनके नाम है जैसे पंजाब है ना पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है तो उनमें से किसी का नाम हड़प्पा है किसी का मोहन जोदड़ो है ठीक है ये जो है ग्रेट भार महान स्नानगर जो है बहुत बड़ा है सबसे बड़ा जो इस एरिया में हमें मिला है

सीढ़ियाँ हैं और ये सारे के सारे जो थे ना ये रूम्स थे कपड़े बदलने के लिए क्या थे ये रूम्स कपड़े बदलने के लिए भी थोड़े टूट गए हैं ये रूम्स थे और यहाँ पे लोग जो है जो फेमस जो मतलब अच्छे लोग मतलब जो राजा के रिलेटेड होते होंगे नागरिक जो विशेष नागरिक होते थे वही विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे ऐसा माना जाता है कि शायद वो वही स्नान करते थे क्योंकि नहीं सिद्डा डेल यानी कि नगर दुग में बनाया गया है वहाँ पे कौन रहते थे, थे? राजा और उनके खास लोग तो वही खास लोग ही यहाँ पे स्नान लिया करते होंगे अब ये नहीं पता कि यहाँ पे ये सिर्फ जेंट्स लेते थे या फीमेल्स भी लेती थी ऐसा इसमें कुछ नहीं पता है हमें और हमें और भी चीज़ें मिली हैं इन नगरों से कालीबंगा और लोथड़ से फायर अल्टर्स फायर अल्टर्स फाय अल्टर यानी कि हवन कुंड टाइप की चीजें ये हमें मिली हैं देखो तो ये हवन कुंड टाइप का कि वहाँ पे हवन वगैरह होते होंगे शायद हवन वगैरह किए जाते होंगे वहाँ पे और हमें क्या मिला यहाँ पे मोहन जोदड़ो और हड़प्पा से ऐसा एक सबसे बड़ा अन्नागार बड़े बड़े भंडार गृह यानी कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अन्न वगैरह इकट्ठा करके वो रखते होंगे हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि लोगों ने जो बीज थे और अन था मतलब जो बचा हुआ अनाज जो होता था चावल गेहूँ जौ वगैरह वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया हो सकता है उन लोगों ने फिर ऐसी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी और ये बहुत बड़े लेवल पे अच्छे लेवल पर बिल्डिंग थी ये जो अब टूट चुकी है बिल्डिंग सारी खंडर हो चुका है तो ऐसे मोहनजोधर लोथर और हड़प्पा में ऐसे बहुत सारे के सारे अन्नागार बोलते हैं हमें से बड़े बड़े भंडार ग्रह या स्टोर हाउसेस हमें मिले हैं ये देखिए ये हमारी सिटीज ये हमारी सिटीज़ हैं जितना भी येलो रंग से रंग रखा है ना ये हमारी सिटी हैं ये हमें साइड जो हमें मिली है कहाँ कहाँ मिली है साइड ये हमारी साइड कुछ गुजरात में ठीक है ये राजस्थान में पंजाब में इंडिया के साथ साथ हमें पाकिस्तान में भी मिली है ठीक है पाकिस्तान के पंजाब और जो सिंध प्रांत है उसमें भी मिली है इन इन स्थलों से हमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें मिली हैं जैसे कि मिट्टी के जो लाल बर्तन होते हैं उनमें काले रंग के चित्र भी बने हुए थे ठीक है पत्थर के बाट मिले बाट मतलब जिनसे हम वेट करते हैं एक किलो का बाट होता है ना उस टाइप के लेकिन यहाँ पे हमें दो के पहाड़ों के वाले बा, बाट मिले हैं जैसे कि दो किलो के चार किलो के छः किलो के इस टाइप से ठीक और हमें क्या मिले हैं यहाँ पे मनके मिले हैं मनके मतलब स्टोन्स इस टाइप के जो हम गले पे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स जैसे हम डाल लेते हैं उनकी मालाएं बना लेते हैं इस टाइप के और तांबे के टूल्स मिले हैं तांबे के उपकरण मिले हैं ठीक है और पत्थर के ऐसे लंबे-लंबे हमें ब्लेड्स टाइप के चाकू टाइप की, की चीज़ें मिली हैं तो हमें ये सब कुछ इसमें मिला है ठीक है ऐसे इसके बड़े बड़े बाट होते थे वो मिली हैं हमें ये देखो हमारी मैप कहाँ हमारा हड़प्पा ये रहा हमारा हड़प्पा ठीक कालीबंगा जहाँ से हमें क्या मिला है फायर अल्टर्स लोथल ये रहा हमारा लोथल ठीक है इस वाले में हम देखते इस वाले में और बड़ा दिखेगा हमें यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल और कालीबंगा ये देखो जितना एरिया येलो कलर से कवर कर रखा है ना ये सारा उसी टाइम पीरियड का है इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता अब इसका नाम हमने हड़प्पा ही क्यों रखा क्योंकि सबसे पहले हमें हड़प्पन सिटी मिली थी ठीक है ना यहाँ पे सबसे पहले हमें हड़प्पा सिटी मिली थी कैसे मिली थी वो पंजाब की रेवल रेलवे लाइन की वजह से इसलिए हमने इस पूरी एरिया का नाम क्या रख दिया हड़प्पा सभ्यता इस टाइम पे जो भी लोग रहते थे कैसे खाते थे क्या करते थे उसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलने लग गए ठीक है और यहाँ पे हमने पढ़ा भी था ये नदी बह रही यहाँ से बहते हुए इंडस रिवर सिंधु रिवर अरब सागर में जाके गिर जाती है तो इन लोगों ने जो अपना बसेरा किया था वो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के आसपास पास किया था इसको इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ठीक ये एक एक्स्ट एक इंफॉर्मेशन है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं तो ये चैप्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन कौन सी जगहों से हमें क्या क्या मिला है जैसे हड़प्पा मोहनजदुर लोथड़ों से हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं ठीक काली है कालीबंगो लोथर से हमें फायर अल्टर्स यानी कि कुंड मिले हैं ठीक है और ये ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है महान स्नान घर हमें कहाँ से मिला है और उसमें कैसे कैसे यहाँ पे लोग पानी भरते थे ईडो की चिनाई कैसे थी ठीक है इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू एवरीबडी